23 नवंबर और आज है मंडे। सो हे एवरीवन, व्हाट इज़ अप, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल टू अनदर व्लॉग। थोड़ी सी पावर डाउन है क्योंकि भाई जल्दी उठ गए हैं सोकर। आज जाना है दिल्ली, जो बैक टू वो अपनी सिटी वाला ट्रिप होता है ना, वो थोड़ा होता है कि हाँ भाई वही सेम रूट वगैरह करने। बट आज का सीन ये है कि जो पिछली बार हमने गलती करी थी गूगल मैप्स की, मान के वो हम नहीं करेंगे। जो मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन कहेगा थोड़ा सा, क्योंकि पिछली बार जो आया था मेरे को याद है पिछले साल का रास्ता कौन सा था, तो उस वाले रास्ते से थोड़ा देख संभल के जाएंगे। क्योंकि कल तक तो इतना हो गया था घूम घूम के कि थोड़े रास्ते हमें याद होने लग गए थे, तो हम गूगल मैप्स के बिना घूमने लग गए थे। तो ये सीन है अभी, और अभी जाएंगे, अभी देखता हूँ फ्रूट मार्केट वगैरह खुली होगी रास्ते में पड़ेगी तो फ्रूट्स देख लेंगे जो इधर की स्पेशलिटी होती है। अगर नहीं खुली होगी तो कोई बात नहीं, अगली बार ले लेंगे, हमेशा आते हैं कुछ ना कुछ लेकर जाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था। बाकी यही है अभी, ये सामान ये रहा, टैंक बैग, टेल बैग, टॉप बॉक्स वगैरह, और हेलो भैया बस समेट रहे हैं, सब संभाल रहे हैं ताकि कुछ रह ना जाए। और इसके बाद निकलेंगे दिल्ली की तरफ, देखते हैं दिल्ली कितने घंटे में कर पाते हैं। और अभी यही सीन है, बाहर तो पूरा अंधेरा पड़ा है, कुछ नहीं दिख रहा होगा, अंधेरा ही है। अभी थोड़ा दिन निकल जाए, दिन मतलब थोड़ी रोशनी आ जाए बाहर, संभाल लगाते हैं उसके बाद निकलते हैं। और अभी तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद सीधा फिर मिलेंगे गोप्रो पर निकलते हुए, क्योंकि अभी कुछ दिखाने का फ़ायदा नहीं है। बाकी अगर रूम टूर कहूँ तो ये बाहर बैल्कनी है अभी जहाँ अंधेरा पड़ा है, और यहाँ पर ये एक चेयर ही रही है, टेबल चेयर, ये बेड था, और ये पूरा सामान वगैरह रखने के लिए, टीवी, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। ये भी सामान रखने का, ये वो खाली स्पेस है वॉक करने के लिए। सो फाइनली वी आर रेडी टू रोल। ये पूरी तैयार हो गई, इस बार मैंने रेन कवर लगा दिए, मैं लेकर आया था क्योंकि पता नहीं है यहाँ मौसम बहुत चेंज हो रहा है। कल भी मौसम का कुछ पता नहीं था, कल तो ऐसा लग रहा था कि मनाली में ही तगड़ी बर्फ़ गिर जाएगी आज, और दिखा भी रहा था रात को एक वेदर पे, बट पता नहीं। चलो बैठे फुली लोडेड पे, बता देना बाइक कैसी लग रही है अगर दिख रही हो तो। ओ भाई भाई भाई, बैठना ही एक टास्क है। सो वी आर रोलिंग, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:35, और देख लो अभी रोशनी कुछ निकली नहीं है। और मेरे को थोड़ा फ्रूट मार्केट वगैरह इनकी देखनी थी, उसका थोड़ा टाइम वगैरह मिला नहीं, बट फ्रूट्स लेने थे क्योंकि ये पता नहीं एप्पल और पता नहीं एक चीज़ एक और फ्रूट होता है उसको कंबाइन करके एक अलग फ्रूट बना देते हैं, तो वो फ्रूट्स इनके बहुत अच्छे टेस्ट करते हैं, तो लेने थे। नो वरीज, सुबह सुबह तो मिलेंगे नहीं, बट कुल्लू तक जब तक पहुँचेंगे तो आई थिंक तब तक मार्केट्स खुल जाएंगी, तो कुल्लू से देख लूँगा। ओहो, क्या डस्ट उड़ा के गया ये ट्रक। चलो चले, थोड़ा दिन हो तब मिलूँ, अभी तो कुछ है नहीं दिखाने को। ये टूटी हुई रोड है जिस पे सैडलिंग करने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मेरी सेटिंग बहुत प्यारी बैठी हुई है अभी बैठने की। अभी ना मेरे जैसी बैठा हूँ ना, मेरी सेटिंग इतनी प्यारी बैठ गई है। कभी कभी ना ऐसा होता है, जो नी गार्ड होते हैं ना, ये राइडिंग बैंड में ही अटकते हैं नी में, वो इतने प्यारे बैठे हैं अभी दोनों ही। देखो कितनी प्यारी लग रही है बकरियाँ, वाइट वाइट, थोड़ी थोड़ी काली है, और पूरा झुंड जा रहा है। कम से कम 150 बकरियाँ हैं ये, 150 बहुत आराम से, 150 से ज़्यादा ही हैं। और व्यू देख लो भाई साहब, लास्ट टाइम, उसके बाद तो दिल्ली की सड़कें ही दिखेंगी विद बैरिकेड्स। अब तो दिल्ली में भी 500 से 2000 हो गया चलान मास्क ना लगाने का। और नीचे तो भाई पानी बहुत बहुत ज़्यादा ही कम है, मतलब जितने पत्थर दिख रहे हैं सारे डूबे हुए होते हैं, और ये जो पेड़ दिख रहे हैं बीच में इनकी रूट्स तक, मतलब पेड़ के डंडे तक दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं उसे, नीचे वाले पार्ट को कहते हैं पेड़ के, लकड़ी लकड़ी, पेड़ के नीचे की लकड़ी तक दिख रही है, इतना इतना कम पानी है। और मेरे को थोड़ा मौसम ख़राब होता हुआ दिख रहा है फ़िलहाल, बट यहाँ पे एक घंटे में ही मौसम पूरा चेंज हो जाता है, तो पता नहीं। बट हम फुल तैयारी में चल रहे हैं, और ट्रैफिक है नहीं रोड पे बिल्कुल भी अभी, तो जितना भगा सकते हैं उतना भगा रहे हैं हम विद प्रॉपर गियर्स एंड सेफ्टी। फ्रूट नहीं आता जो एप्पल और किसी और पीच का मिक्सचर होता है शायद, वो तो
मई जून में आता है। मैं पिछली बार जून में ही आया था तो वो पूरे डिब्बे लेकर गया था उसके। नेक्टरी नेपल। हाँ 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 तो अभी सारे नॉर्मल फ्रूट्स ही हैं। बीच में ग्रीन वाला गोल्डन एप्पल है। आ रहे हैं चचे। तो अभी यहाँ रुके, ब्रेक ले रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, पराठा है और बाइक ऐसी फुल लोडेड हो गई है पूरी, सब कुछ हो गया है। और इस बार रेन कवर लगा दिया मैंने क्योंकि मौसम थोड़ा मेरे को, ये देखो पूरा ऐसे डाइसी सा लग रहा है, पूरा डार्क डार्क सा हो रहा है। मैगी इंजॉय करते हैं पूरे मसालेदार, और आलू का पराठा है, अभी एक और आ रहा है, फिर चलेंगे आगे, कंटिन्यू करेंगे बढ़िया तरीके से। सो ब्रेकफास्ट कर लिया और ये है शर्मा भोजनालय। जब आप मनाली से इस साइड से आओगे तो दिखेगा। तो खाना अच्छा, क्वांटिटी भी अच्छी है, पराठे का साइज़ भी बड़ा है, आपने देखा होगा, मैगी की क्वांटिटी भी अच्छी है, तो हाईली रिकमेंडेड। यहाँ आओ खाओ, और नेचर भी अच्छा है, आंटी बनाती है। पिछली बार भी मैं यही रुका था इसलिए मैं फिर से यहीं रुक गया, मतलब मेमोरीज एक चेरिश हो जाती है। मैं बैठा भी सेम टेबल पे था, पिछली बार मम्मी थी, इस बार ये था। सो फ्यूल ब्रेक, क्योंकि पेट्रोल नहीं है और पता नहीं आगे कितनी दूर है पेट्रोल पंप, पता नहीं, मेरे ख्याल से 600-700 का पेट्रोल, 600-700 का पेट्रोल आ ही जाएगा इसमें। तो पेट्रोल आया 750 का, कितना लीटर, 9 लीटर, और यहाँ पेट्रोल है थोड़ा सस्ता, 80 रुपये है। तो ये वो वाला रूट है जो जनरली होता है मनाली में आने के लिए और मनाली से जाने के लिए, बट पिछली बार उसने हमें गलत वाला बता दिया था, मंडी वाला। और साइड में जो घर है वो देखो ज़रा, ऐसा लग रहा है लेगो के पीसेस से लगा रखे हैं दूर दूर, क्योंकि यहाँ से बहुत छोटे लग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है लेगो के जो पीसेस आते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स वाले, उससे बना रखे हैं, मतलब बड़े सही लगते हैं ऐसे पेड़ बने हुए सारे झुंड में पहाड़ों पर। सो अभी रहता है दिल्ली 466 किलोमीटर, और यहाँ पे भी पहाड़ तोड़ के मेरे ख्याल से फुल रोड वगैरह तैयार हो रही है, हाईवे तैयार हो रहे हैं पूरे, इसलिए रोड वगैरह टूट रही है, मतलब पहाड़ टूट रहे हैं और रोड बनेगी फिर। सामने देखो सूरज, बादल और फॉग के बीच, और ये फॉग है, पॉल्यूशन नहीं है। बाप रे बाप रे बाप रे, दो ट्रक के बीच में फंस गया भाई साहब। अरे तेरी भैंस की, ओ भाई 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 भाई, रुक जा, प्लीज़ जान दे, प्लीज़ कैसे जाऊँ, प्लीज़ जान दे, कुछ नहीं दिख रहा, शिट भाई साहब, ओहो हो, जान अटक गई थी मेरी, 2 ट्रक के बीच में फंस गया था। भाई सब कुछ नहीं दिख रहा इस टनल में मेरे को, फॉग लाइट तक ऑन है। फाइनली बाहर की साइड आ गए हैं, यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड वोड सब चौड़ी हो रही है, पता नहीं कौन कौन सी पाइपलाइंस चल रही हैं, और नीचे पानी देखो क्या सुंदर लग रहा है। अरे भाई साहब बहुत रोड खराब है इधर, तो तब से ही रोड खराब चल रही है, मनाली से निकले जब हाईवे था उसके बाद ये है, ये भी पूरा हाईवे बन जाएगा अगले साल तक, बहुत प्यारा लगेगा ये, खूबसूरत। पता नहीं क्या बन रहा है पहाड़ के अंदर, क्या चल रहा है भाई, क्या किधर जाना है, कौन जाएगा पहले, कौन सिटी बजा रहा है, किसके लिए सिटी बजा रहा है, ओह ये बजा रहा है। सो गाइज यहाँ शुरू हो चुकी है बारिश, और मैं फुल प्रोटेक्टेड रेन कोट डाल के, वैसे ऊपर की जैकेट में इनर मतलब अंदर ही है जो रेन लाइनर है, बट मैंने ऊपर से एक और पहन लिया, मुझे जैकेट ख़राब नहीं करनी, और नीचे जो राइडिंग पैंट होती है उसका ऊपर से पहनना होता है, उसके साथ आता है वो भी पहन लिया, तो फुल प्रोटेक्टेड चल रहे हैं। ये भी लगा लिया इसका टैंक बैग का, पीछे वाले का अच्छा हुआ मैं होटल से ही लगा कर आया था, टॉप बॉक्स का कुछ होगा नहीं, तो यही सीन है। और ये फ़ोन थोड़ा दाव पे है, दूसरा फ़ोन जेब में है,
और गोप्रो भी दांव पे है। तो अब जब थोड़ा बारिश वगैरह बंद होगी तब मिलते हैं, अभी तो पता नहीं क्या सीन रहेगा बारिश का। और गोप्रो भी थोड़ा दांव पे ही है। अरे भाई साहब क्या छोड़ रही है, भाई व्यू देखो, पानी एकदम बड़ा शांत है, मजा आ गया लीन करके, पानी बड़ा एकदम शांत। और उधर देखो ब्रिज बना हुआ है, वो वॉक करने वाला है और ये व्हीकल के निकलने वाला। और बारिश आई सिर्फ 2-5 मिनट, बट पहन लिए, पता नहीं था क्योंकि मौसम अजीब सा ही हो रहा था। उतार देंगे आगे, ये पूरे कवर कर लिया था देख सकते हो इसमें। ये देखो पुल पूरा हिल रहा है, अभी ट्रक गया है, ये देखो पूरा पुल पूरा हिल रहा है, ट्रक गया और गाड़ियाँ जा रही है। तो ये देखो पुल हिल रहा है पूरा, तो ये यहाँ कॉमन है, भूकंप नहीं है। अरे ये तो व्यू बहुत ही सही लग रहा है। बाकी अभी घर बचे यहाँ से 381 किलोमीटर्स। भाई साहब 381 किलोमीटर्स हम दिखा रहा है, 8:40 पे पहुँचेंगे, बट आई नो इससे लेट होने वाला है, सो कीपिंग नो होप्स। भाई रोड देखो ऊपर चढ़ रही है, और ये मेरे ख्याल से जिस रूट से लेके जा रहा है वो है शिमला वाला। आई डोंट नो रूट कैसा होगा, बट 9 बजे तक दिखा रहा है घर पहुंचने का, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पॉसिबल लग नहीं रहा है। 9 बजे तक तो इसलिए दिखा रहा है, लगातार चलाते रहे तो लगातार तो कहीं से ही चलाएंगे रे। अभी टाइम हो रहा है 1:45, 1:45 हो रहे हैं और अभी 361 किलोमीटर्स रहते हैं। सो फाइनली 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 हम पहाड़ों को बाय बाय बोलते हुए बाय बाय, बहुत बहुत चला ली पहाड़ों में, थक गए हम। अब आएंगे बाद में और अब लेंगे हाईवे, पहले हाईवे आए तो बाय बाय तो बोल दिया पहाड़ों को, क्योंकि पहाड़ बाय बाय हो तो गए हैं। और पहाड़ हम उतर चुके हैं 252 पे, और किलोमीटर अभी रहते हैं 302। सो अभी क्या हुआ कि मैं इस रोड पे जा रहा था, ये हाईवे की तरफ जा रही है, लोकल से पूछा ऑब्वियसली, क्योंकि मैप्स पे भरोसा नहीं है मेरे को। तो एकदम से मैं ले जा रहा था, एकदम से नीचे ऐसे ढलान आई, मैं उसमें घुसा और आगे रोड ही नहीं, बीच में गैप दे रखा है, ये टारमैक रोड और मिट्टी के बीच में बहुत सारा गैप, ऐसे उछली और बाइक हवा में सीधी, आधा एक मीटर हवा में बाइक, वो तो संभाल ली कोई खड़ा हो गया, इतनी आदत है कि हाँ बाइक संभाल ले। पहले भी हो चुका है ये सेम सीन, वो हाईवे पे हुआ था, पर बट कोई नहीं, कुछ हुआ नहीं। आई होप अलॉय वगैरह बेंड ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही जोर से आवाज़ आई थी थक की, बट अब क्या कर सकते हैं। जो दूसरा, ये देखो ऐसा, जो दूसरा वाला रास्ता था वो रोपड़ छोड़ रहा था, जो बाहर वाला रास्ता था, और रोपड़ से फिर रोड टूटी हुई है और ये छोड़ रहा है हाईवे पे, तो अब इससे जा रहे हैं। और बाहर जो रास्ता था वो सीधा जाए जा रहे थे हम, और वो किलोमीटर बढ़ाया जा रहा था, 305 करे, पहले 302 करे, फिर 305 करे, फिर 310। तो ये सीन है, अभी जा रहे हैं, रोड अच्छी बनी है, गांव के बीच में से जा रहा है, और आगे जाके कोई हमें लेफ्ट लेना है, वहाँ से हम हाईवे कनेक्ट हो जाएंगे, फिर हाईवे से तो फिर सीधा घर को भगानी है। ठीक है, धन्यवाद जी। सामने ट्रक में बैठे हुए लोगों का रिएक्शन देखो, हनी तो घुस ही जाएगा ट्रक में, घुसेगा भाई साहब। अगर मैं खींचूंगा, अगर थोड़ी खाली जगह मिले तब रिएक्शन देखना। भी आगे भी जाम लग रहा है, इसलिए मैं आगे निकल नहीं रहा हूँ, थोड़ा
सर दर्द हो रहा है मेरा एक तो, क्योंकि तब से चलाए जा रहे हैं, रुके हैं नहीं, 2 मिनट के लिए रुके हैं, वो भी थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली, बाकी सुबह रुके थे, ब्रेकफास्ट करा था, खाया कुछ है नहीं। सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसके बाद कुछ नहीं खाया, सॉरी। और अभी ये दिखा रहा है 9:10 पे पहुँचेंगे, अभी रुको, खाली रोड आ रही है, खींचा मारूंगा मैं। तो अभी पेट्रोल आया है 760 रुपीज का। ये हाल है मेरा, और पीछे गान चल रहे हैं उसके लिए थोड़ा माफी, बट अपडेट ये है कि अभी 198 किलोमीटर रह गए हैं मेरे घर तक के लिए, मैंने घर की लोकेशन नहीं डाली थी, तो वो रह गए 198 किलोमीटर। रात के 9:15 तक का दिखा रहा था, बट अब नहीं हो पाएगा, 10:15 बज जाएंगे, क्योंकि अभी रुके हैं KFC में और यहाँ खाएंगे, ऑर्डर कर दिया है जिंगर और पॉपकॉर्न। तो ये रहा पॉपकॉर्न और नीचे है जिंगर, ऐसी सेम है, मतलब हर रीत और मेरा सेम है, और वहाँ बाइकें खड़ी हैं, वो ठीक कर रहा है अपना, और मेरा सब कुछ सेट ही है। विंड ब्लास्ट यहाँ बहुत ज़्यादा है अभी, तो अभी 120-130 खींच रहे थे, करनी पड़ रही थी, मजबूरी है, क्योंकि सारे ही खींच रहे थे, तो ट्रक वाले भी 100-100 चला रहे थे स्पीड में, तो भाई जान को जोखिम नहीं देना, किलोमीटर बार करने हैं, वरना आधी रात हो जाएगी घर पहुँचते वास्ते। तो अभी खाते हैं, उसके बाद बैक ऑन रूट। सो वी आर एट करनाल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, करनाल वेलकम्स यू। तो अभी करनाल पहुंच गए हैं और बस चलाए जा रहे हैं, गाने चला रखे हैं ताकि नींद ना आए, वरना तो सुबह के जिस टाइम के उठे हुए हैं अब तक तो बत्ती गुल हो जाती है। ऊपर से हाईवे पे क्या है, सामने से ना लाइटें पड़ रही है, आँखों में लाइट पड़ रही होती है दूसरी गाड़ियों की, वो क्या है आँखें बंद करती है, ऊपर से हवा, ऊपर से इतनी हाई स्पीड पे चल रहे हैं, तो वो सब मिक्स होके नींद लाता है, तो इसलिए मैंने चला रखे गाने और बस चल रहे हैं। करनाल आ गए और बस यहाँ से है 127 किलोमीटर, और देखते हैं अब कितना टाइम लगता है। गूगल मैप तो 3 घंटे दिखा रहा है, पता नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है कि मूर्थल के आसपास जाम हो, एक तो वो रोड भी पूरी ख़राब है, एक तो 100 से नीचे जाए ना तब मेरे को थोड़ा चैन मिलेगा, उसके बाद मैं ऐसे गिनने लग जाता हूँ 99, 98, 97, 96, मेरी चोट यार दर्द हो रही है। कल रात को मैं आ गया था मनाली से, और सिंगल डे में ही मैंने मनाली टू दिल्ली करा है, और हम मनाली से निकले थे 7:45 के करीब, और उसके बाद फिर यहाँ दिल्ली में मैं अपने घर पर आ गया था 9:12 पे, तो मान लो मोटा मोटा 12 घंटे लगे, क्योंकि बीच में सुबह नाश्ता करने रुके थे उसमें आधा 1.25 घंटा लगा, फ्रूट्स लेने रुके थे उसमें 15 मिनट लगे, पेट्रोल भरवाने रुके थे उसमें 15-20 मिनट मान लो 2 बार रुके थे, तो ये कुछ सीन है। और अच्छी राइड थी, बट मेरा इस बार मन ये था कि वापसी आते हुए ब्रेक जर्नी करूँ, क्योंकि पिछले साल जो मेरे साथ सीन हुआ था वो बहुत डेडली सा था, कि 4-5 घंटे मैंने बारिश में चलाई थी, तो उसके बाद मेरा थोड़ा डर सा बैठ गया था, क्योंकि रात को चलाई थी वो भी। और जो ये हाईवे है अंबाला से लेकर दिल्ली वाला, इस पर बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट, जो मतलब हाईवे की जो लाइट्स होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, बीच बीच में पैच पे है, बीच बीच में नहीं है, और जहाँ जहाँ पैच पे है वहाँ भी 3-4 चला रखे, बाकी सारी बंद कर रखी है, और बीच बीच में क्या है रोड बन रही है, तो रोड छिली हुई थी, और वो रोड छिली हुई पे हम जब 110-120 चला रहे हैं उसके बाद एकदम से रोड छिली हुई आ जाता है, रोड छिली हुई पे पूरी बाइक फिसलती है, रोड जब छिली हुई होती है क्या है, जब नई रोड बनाते हैं ना उससे पहले पुरानी रोड छील देते हैं और उसके ऊपर टारमैक डालते हैं, तो ये कुछ सीन है, बस वो थोड़ा डर था, बाकी हो गई राइड। तो अगर आप लोगों को पूरी सीरीज पसंद आई तो वीडियो कर दो लाइक, और सारे वीडियोस देख लो जाके, आई बटन में आ रहे होंगे, 3-4 तो आ ही होंगे इससे पिछले वाले, और सारी सीरीज पसंद आई। और चैनल पे नए हो तो खास करके सब्सक्राइब कर लो भाई, हमारी अनबीटेबल फैमिली में जुड़ जाओ, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना कि सारी सीरीज कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, पिछले वीडियोस कैसे लगे, जो हम टनल क्रॉस करके गए थे वो वीडियोस कैसे लगे, टेंपल वाले वीडियोस कैसे लगे, तो सब कुछ बता देना, क्योंकि यार बहुत मेहनत से बनाया है, हाथ वात सब जम रहे थे उधर, क्योंकि मनाली तक में रात को टेम्परेचर -7 तक गिर गया था, तो अब खुद सोच सकते हो कि जब हम लद्दाख वाली साइड रोड वाली गए थे और स्पीति वाली रोड पे गए थे, तो सुबह सुबह वहाँ क्या सीन हो, क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ गिर रही थी दूर पास के पहाड़ों पर। ठीक है, तो ये सीन है, और मिलता हूँ अब आपसे
किसी अगली बढ़िया सी वीडियो में। अभी तो ये जो सारी वीडियोस हैं, ये तो लास्ट वीडियो है, ये जो सारी वीडियोस हैं, ये वीडियो मेरे को एडिट करनी है। ये नेक्स्ट डे है जब मैं आ गया हूँ, आज है 24th और ट्यूजडे 24th ऑफ नवंबर, ठीक है। और मैं कह रहा था 20th नवंबर को निकला था दिल्ली से मनाली के लिए, ठीक है। तो यही सीन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियोज इंजॉय करो, शेयर करो, और खुद का भी मन करे तो जाओ, बट सेफ्टी के साथ, सेफ्टी गियर्स के साथ, और ऐसे ही बी सेफ, बी हैप्पी, देन बाय, टेक केयर।